वालेकुम। आज मैं आपको आटा गूंदना सिखाऊंगी, ठीक है? जितना आटा मुझे चाहिए उतना मैंने परात में ले लिया है और पानी ले लिया है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं पानी ऐड करूंगी। मुश्किल है ज़रा, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है मैंने और एक हाथ में मैं आटा गूंद रही हूँ, ठीक है? तो मतलब इस तरह करना है, इस फॉर्म में लाना है, आटे की फॉर्म में लाना है। इसलिए हल्का हल्का पानी डालना है, ज़्यादा डाल देंगे बहुत नरम बन जाएगा। जो बिगनर्स हैं उनसे रोटियां नहीं बनेंगी फिर उसकी। मैं भी ज़्यादा आटा नरम नहीं गूंथती, नॉर्मल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं गूंथना कि हाथों में दर्द शुरू हो जाए रोटी बनाते हुए। अच्छा जी, ये जो पीछे शोर आ रहा है अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पहले भी बता चुकी हूँ कमर्शियल एरिया है ये सारा, जहाँ मेरा घर है। तो हर तरह की आवाज़ आती है यहाँ से, बच्चों की, बड़ों, ठीक है? इसको ऐसे से घूमना। हाँ जी, देखें आटे की ये फॉर्म जब हो जाए, इस तरह का जब हो जाए, ठीक है? इसको आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और फिर इसको गूंदें। ये देखें जी, ये आटा गूंद चुका है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? और इसको आप चाहें तो दो तीन बार और मुखियाँ लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह आकर के आपने मुखियाँ लगानी है, ठीक है? एक हाथ से आपको परात पकड़नी पड़ेगी, ठीक है? आपका आटा तैयार है बिल्कुल। ना ये बहुत ज़्यादा नरम है, ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। जी, मैंने डाल दिया चौंगे में। जिनका आटा ऊपर से काला हो जाए तो उनके लिए ये टिप है, हाथ हल्का सा गीला करके इस तरह ऊपर लगा दें, ठीक है? आपका आटा काला भी नहीं होगा और उसकी बहुत अच्छी फुली फुली रोटियां बनेंगी। थैंक यू जी रेसिपी देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।